हेलो एवरीवन, अप्लाइड मैकेनिक्स के इस नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग कुछ छोटे छोटे डिफिनीशन है कि स्टील यार्ड क्या है, बेल क्रैंक लीवर क्या है, कंपाउंड लीवर क्या है, इन सब सारी चीज़ों का चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको लिखा हुआ है कि स्टील यार्ड क्या है। तो लिखा हुआ है कि यह बोझों को तोलने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक सरल मशीन है। तो ये इस प्रकार की एक मशीन है कि जिससे हम किसी भी प्रकार के भार को क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं, वेट कर सकते हैं। इसका जो प्रयोग होता है वो रेलवे में होता है, गोदाम में होता है और फैक्ट्री में होता है, क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों या बड़े बड़े कंपोनेंट को वेट करने के लिए इन सब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं बेल क्रैंक लीवर। तो ये क्या है, दो भुजाओं वाला एक लीवर है। ये भी एक प्रकार का क्या है, लीवर है, जो किसी भी बिंदु पर घूम कर क्रिया कर सकता है। यानी इसमें दो भुजाएं होती हैं जो किसी एक बिंदु के सापेक्ष घूम कर अपना काम करता है। कंपाउंड लीवर क्या है, कंपाउंड लीवर यानी कि दो या दो से अधिक बेल क्रैंक लीवर का संयुक्त कर यानी कि उन दोनों को मिलाकर जब बनाया जाता है, संयुक्त कर यौगिक लीवर बनाया जाता है। यानी इसमें दो या दो से अधिक बेल क्रैंक लीवर का प्रयोग किया जाता है। अब तो यहाँ से एक बात आती है कि यौगिक लीवर का जो लाभ होता है वो क्या होगा। तो यौगिक लीवर का लाभ जो है वो पहले लीवर का लाभ इनटू दूसरे लीवर का लाभ। तो यहां से देख सकते हैं कि यौगिक लीवर का लाभ बराबर पहले लीवर का लाभ प्लस दूसरे लीवर का लाभ। अगर आगे दो से ज़्यादा अटैच है तो प्लस उनको भी अटैच कर दिया जाएगा। तो कंपाउंड जो लीवर है उनका लाभ क्या होता है कि हर एक अलग अलग बेल क्रैंक लीवर के लाभ को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसी में, बल युग्म क्या होता है, कपल क्या होते हैं। तो ये तीन चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि सेफ्टी यार्ड क्या है, बेल क्रैंक लीवर क्या है और कंपाउंड लीवर क्या है। बात करते हैं अब हम लोग कंपाउंड बल युग्म कपल की। बल युग्म क्या है, कपल क्या है। तो यहां से आप डिफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी पिंड पर कार्यरत विपरीत दिशा में समान परिमाण, याद रखिएगा समान परिमाण। यानी देखिए हमने आपको एग्जांपल बताया था कि बल युग्म क्या होगा, जब हम कपड़ों को भीगे हुए कपड़े को निचोड़ते हैं तो वहां पर दो समान बल और विपरीत दिशा में हम लोग प्रयोग करते हैं, तब जाके उसमें एठन जनरेट होता है, ट्विस्ट जनरेट होता है। तो आपका जो बल युग्म है वो है किसी पिंड पर कार्यरत विपरीत दो बल काम कर रहे हो लेकिन क्या है, समान परिमाण के हो। इस तरीके से अगर इधर है दूसरा क्या होगा, इधर होगा, लेकिन इनकी जो परिमाण है वो क्या होंगे, समान होंगे तथा समांतर बल हो, एक दूसरे से क्या होंगे, समांतर बल समांतर होंगे। ऐसा नहीं कि क्रॉस पे होंगे, ये दूसरे बल क्या होंगे, समांतर बलों के ऐसे जोड़े को जिसकी क्रिया रेखाएं एक ही रेखा पर नहीं होती हैं बल युग्म कहलाते हैं। यानी ये जो आपस में ये जो कुवर कर रहे हों इनके परिमाण समान हैं और विपरीत दिशा में होने चाहिए और एक दूसरे से क्या होने चाहिए, समांतर होने चाहिए। इस प्रकार के बलों को बल युग्म कहा जाता है, ठीक है। और बल युग्म को ऐठन अथवा टार्क भी कहते हैं। बल युग्म को ऐठ या टार्क भी कहते हैं, क्लियर। नेक्स्ट और एक पॉइंट है कि बल्युम की प्रकृति पिंड को घुमाने की होती है। इसकी कैसी प्रकृति है, प्रकृति क्या है, घुमाने की, वो क्या कर देगा उसको, घुमाने की प्रकृति होती है, क्लियर। तो यहाँ से ये बात आपको समझ में आई होगी। एग्जांपल की बात करते हैं तो चाबी को घुमाकर ताले खोलना, ये भी क्या है, एक बल्युम का काम है। देन बंद करते समय चाबी और उंगलियां जो है वो उनके द्वारा बल्युम में लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है कि चाबी को घुमाकर ताला खोलना अथवा बंद करते समय चाबी और उंगलियां द्वारा बल्युम लगाया जाता है, ये भी एक इसका एग्जांपल है, क्लियर। अब यहाँ पर एक और पॉइंट की चर्चा हम लोग करते हैं कि जो बल्युम की विशेषताएँ क्या है, प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, ठीक। यहाँ से देखते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ कपल यानी कि बल्युम की विशेषताएं कौन कौन सी है। तो पॉइंट वाइज पॉइंट हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है
कि वलिमुख का प्रभाव केवल घूर्णन गति कराने का ही होता है, अर्थात सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या होगा, रोटेशन होगा, किसी भी प्रकार का लीनियर गति नहीं होगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट और लिख दिया गया है कि कोई वलिमुख सरल रेखीय गति नहीं उत्पन्न करता है। नेक्स्ट इसकी और प्रॉपर्टी क्या है कि वलिमुख के बलों का परिणामी जो होता है वो शून्य होता है। क्यों शून्य होगा, क्योंकि बराबर और विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी प्रॉपर्टी में कि किसी वलिमुख का घूर्ण आघूर्ण सदैव स्थिर होता है, यानी कि जब उसका दोनों को बलों का मान जब स्थिर है, दोनों आपस में बराबर होंगे, तो उनके द्वारा उत्पन्न आघूर्ण भी क्या होगा, स्थिर होगा। इसकी जो इकाई है वो न्यूटन मीटर, अगर बल का मान अगर चेंज कर दिया जाए तो किलो या न्यूटन में है तो न्यूटन मीटर, अगर एमएम में है तो न्यूटन एमएम, और अगर उस बल को किलो न्यूटन में कर दें तो किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। और एक नेक्स्ट पॉइंट और है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वलिमुख का आघूर्ण एक सदिश राशि है। तो इस पॉइंट को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी बन सकता है कि वलिमुख का आघूर्ण कैसा है, सदिश है, अदिश है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं, तो क्या है, सदिश राशि है। ठीक, और एक नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कि समतली बल निकाय के लिए जो है संतुलन सामान्य प्रतिबंध क्या क्या है, कि जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हमने आपको जब रिएक्शन फाइंड आउट कर रहे थे तो वहाँ से एक पॉइंट बताया था कि अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन चाहिए तो हमें हॉरिजॉन्टल और जो बल है एक्सिस वाई एक्सिस पे काम करने वाले हैं और एक्स एक्सिस पे काम करने वाले हैं, या हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस में काम करने वाले बल हैं, उनका समेशन क्या होता है, वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो जनरल कंडीशन की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल फोर्स आर इक्वल टू जीरो, देन समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स आर इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात कर सकते हैं, या इसे आप लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ एक्स एक्सिस पर जीरो और समेशन ऑफ वाई एक्सिस पर जीरो। तो ये आपका क्या है कि जनरल कंडीशन है किसी भी फोर्स का इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। और एक पॉइंट और इसमें आता है कि संतुलन का आघूर्ण नियम यानी मोमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है, तो मोमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम में हम लोग समेशन ऑफ मोमेंट आर इक्वल टू जीरो करते हैं। तो ये कहलाता है मोमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर, तो और ये क्या है, यहाँ पर मोमेंट का है, ये क्या है, फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक, ये फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है और ये क्या है, मोमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, इसमें फोर्स के एनालिसिस को वर्टिकल एक्सिस में और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो मोमेंट जा रहे हैं उनका बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, और इसमें मोमेंट होता है। ओके, थैंक यू।